हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैनल पर बहुत ही खट्टी मीठी और टेस्टी करुंदे की लूंजी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करुंदा लिया है और मैंने इस तरीके से इसको कट किया। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब अपन इसको छोंकते हैं। करुंदे अपने सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। पुराने ज़माने में ये सब्ज़ी बहुत खाते हैं, अभी ये लुप्त सी हो गई है, बट आज मैं इसको बहुत ही टेस्टी बनाने वाली हूँ। मैंने कढ़ाई ली, इसके अंदर 3 टेबल स्पून जितना मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं और मैंने 1 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून ये कलौंजी ली। इसके अंदर इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और ये अपनी तड़क चुकी है। अब इसके अंदर अपन 1-2 पिंच हींग डाल देते हैं। हींग का स्वाद इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अब अपन ने जो चॉप करके रखे हैं ये करुंदे, ये डाल देते हैं। इसको अपने को हल्का सा सौते करना है। अब अपन इसके अंदर मसाले डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक लिया, 1 टीस्पून जितना धनिया और 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर ली। ये सारे मसाले आप डाल देते हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से अपन मिक्स कर लेते हैं। अब इसको अपने को खट्टा मीठा बनाना है। तो खट्टे तो करुंदे है ही, मीठे के लिए मैंने यहाँ पर ये गुड़ लिया है, इसको तोड़ लिया मैंने और अब इसके अंदर डाल देते हैं। वैसे तो इसके अंदर पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। 1-2 मिनट आप ढक के कुक करेंगे अपन तो देख सकते हैं बहुत ही रसीली, एकदम मस्त दिख रही है, मुँह में पानी आने जैसी ये अपनी लूंजी बनकर तैयार। ये लूंजी सिर्फ 1-2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। मैंने इसको एक बाउल में सर्व किया है। आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आप इसके अंदर तेल थोड़ा ऊपर तक एक्स्ट्रा डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। मैंने मेरे चैनल पर करुंदे और मिर्ची का अचार भी अपलोड किया था, वो भी बहुत ही अच्छा बनता। आपने नहीं देखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।